जिसका नाम है लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक्सेल के इजी से फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक शीट बना के रखी हुई है जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, कुछ उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उनके टोटल हैं और परसेंट हैं। अब जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मुझे ऑटो सम निकालना है किसी का, तो मैं क्या करूंगी गाइस, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे मुझे इन नंबर्स का ऑटो सम चाहिए तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगी, होम टैब पे जाऊंगी। होम टैब पे जाने के बाद आप एकदम यहाँ लास्ट में एडिटिंग पे आएंगे। कहाँ आएंगे गाइस? एडिटिंग पे। एडिटिंग पे आने के बाद आपको आना है ऑटो सम पे। कहाँ आना है आपको? ऑटो सम पे, होम टैब पे। फिर मैं यहाँ पे जैसे ही सम पे क्लिक करूंगी, आप देखेंगे यहाँ ये सम आ गया। मैं इस सम को चाहूँ तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, तो देखिए गाइज वो डबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इसको भी काउंट कर लिया। यदि मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरह से अंडू करके दिखाती हूँ। इसको मैं यहां से डिलीट कर देती हूँ। अब यदि मुझे एवरेज निकालना है पर्टिकुलर किसी नंबर्स का, तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगी गाइज? जैसे मुझे इन नंबर्स का एवरेज चाहिए तो मैं यहां से इन नंबर्स को सिलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यदि इन नंबर्स का सिर्फ एवरेज निकालना है तो मैं ऑटो सम पे जाऊंगी और एवरेज पे क्लिक कर दूंगी। गाइज आप देखिए ये मेरे ऑटो सम के नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं आपको फॉर्मेट प्रिंटर लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये आपका है ऑटो सम और ये जो है ये क्या है गाइज? आपका एवरेज। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला मैं आपको ये वाले में लगा के दिखाती हूँ, काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स मतलब ये मैंने पता नहीं कितने नंबर्स हैं मेरे, मुझे ये गिनती करनी है तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऑटो सम पे जाऊंगी और काउंट नंबर्स पे क्लिक कर दूंगी तो वो काउंटिंग करके बताएगा कि ये मेरे कितने नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके गाइस फॉर्मेट प्रिंटर लेती हूँ और ये ब्रश इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ ताकि सेम फॉर्मेटिंग हो जाए। इसको आपको बड़ा करके दिखाती हूँ इस तरह से। अब जैसे मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है कि इस रो में, कॉलम में मेरा मैक्सिमम नंबर कितने, सबके हाईएस्ट टोटल किसके गए हैं, तो उसके लिए मैं मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगी। मैक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए गाइज मैं क्या करूंगी, इस पूरी सीरीज को सिलेक्ट करूंगी। इस पूरी सीरीज को या पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑटो सम पे जाऊंगी और मैक्स पे सिर्फ क्लिक कर दूंगी। मैं स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पे जो है मेरा मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस पे भी मैं क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर वाला ब्रश उठाती हूँ और इस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, वो क्लियर दिखेगा। और इसके कलर भी मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि मेरे आंसर्स में वैल्यू क्या आ रही है सेंटर में करके। अब सपोज मुझे मिनिमम नंबर, सबसे कम बच्चे के किसके नंबर है मुझे वो देखना है, तो मैं इस पूरी सीरीज को सिलेक्ट करती हूँ, परसेंटेज पे आपको दिखाती हूँ और मुझे सिर्फ क्या जाना है, ऑटो सम पे और मिन पे। जैसे ही मैं मिन पे क्लिक करूंगी यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, यहाँ से फिर से मैं फॉर्मेट प्रिंटर उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये जो है ये मेरा है मैक्सिमम नंबर। मैं मैक्सिमम नंबर को उठा के यहाँ रख के आपको दिखा देती हूँ और यहाँ से मैं मिनिमम नंबर को कट करके यहाँ पेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ। कट कॉपी पेस्ट मैंने पहले भी वीडियोज में बताया हुआ है गाइज, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ऑटो सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, नंबर्स की काउंटिंग निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डेटा में गाइज। अब मैं आपको और भी कुछ अच्छी चीजें आज दिखाना चाहती हूँ एक्सेल में। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया गाइज 4। अब जैसे मुझे यहाँ पे 4 का कुछ और भी फॉर्मूलाज काउंट आउट निकालने हैं तो मैं फॉर्मूला पे जाऊंगी, मैथ एंड ट्रिक पे जाऊंगी। यदि मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है गाइज, तो मैं पहले तो वहां कर्सर रखूंगी जहां मुझे आंसर प्लेस चाहिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं कहाँ जाऊंगी, मैथ एंड ट्रिक पे जाऊंगी, फैक्ट पे जाऊंगी। नंबर जो है आपको मैंने पहले की क्लासेस में बताया कि रेड की जो होती है ये रेंज के लिए होती है। रेंज का मतलब होता है कि आप इससे सेल सेलेक्ट करते हैं कि आपको कहां से कहां तक का आंसर चाहिए। जैसे अभी मैंने सिर्फ 4 टाइप किया है, मैं यहां पे 2 भी टाइप कर लेती हूं फिर मैं आपको बताती हूँ। मैथ एंड ट्रिक पे गए, फैक्टोरियल पे गए, यहाँ पे हमने ये नंबर ले लिए गाइज और हमने इसको क्या किया, ओके किया, तो देखिए आपका फैक्टोरियल वैल्यू निकल आएगा। ये क्या निकल आया हमारा, फैक्टोरियल वैल्यू। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे कुछ और आंसर निकालना है तो मैं वापस मैथ एंड ट्रिक पे चल के आपको दिखाती हूँ कुछ और फॉर्मूला। जैसे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करती हूँ, जैसे मुझे पावर निकालनी है किसी की भी, तो मैं पावर पे क्लिक करूंगी।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड की में पूछ रहा है नंबर और एक में पूछ रहा है पावर। मुझे इस नंबर का निकालना है और मुझे इसकी चाहिए 4 टाइम्स पावर, 4 की 4 टाइम्स पावर चाहिए। तो मुझे जितने टाइम्स चाहिए मैं वो पावर में टाइप करूंगी गाइस, उसके बाद मैं ओके करूंगी। आप देखिए 4 की 4 टाइम्स पावर इतनी आती है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला हो गया ये पावर का हो गया। इसी तरह से मैं आपको और भी कुछ फॉर्मूलाज दिखाना चाहती हूँ। देखिए वापस मैं कहाँ चलती हूँ, मैथ एंड ट्रिक पे। मैथ एंड ट्रिक पे चलने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। अगर मुझे किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं गाइस SQRT पे जाऊंगी। मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है ये वापस पूछ रहा है नंबर। सपोज मुझे 4 का ही स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं 4 पे क्लिक करूंगी गाइस और मैं ओके कर दूंगी। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। अब यदि मैं यहाँ पे 4 की जगह value 8 कर देती हूँ तो मेरा स्क्वायर रूट और सारी वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो ये मैंने निकाला गाइज स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको और कुछ फॉर्मूलाज दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैथ एंड ट्रिक पे गए, आप ध्यान से देखेंगे इसमें बहुत सारे तरह के, जैसे मुझे रोमन नंबर लिखने हैं किसी चीज के तो मैं रोमन पे जाऊंगी। रोमन सपोज मुझे 8 लिखना है तो मैं 8 पे जाऊंगी गाइज और मैं ओके कर दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये रोमन नंबर में आ गया। अब मैंने 8 का निकाला था, अगर मैं 8 को यहाँ पे 80 कर दूं तो 8 को यहाँ पे 80 कर दूं तो मेरी वैल्यू सारी अपने आप जो है गाइज आप देख सकते हैं चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पूरे फॉर्मूलाज इसी सेल पे बेस्ड है इसीलिए गाइज। अब मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ। ये क्या था गाइज, मेरा रोमन नंबर था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रोमन। तो इसी तरह से जो हम एक्सेल में सारे फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, केवल हम फॉर्मूला टैब पे जाते हैं। टैब पे जाने के बाद जो भी फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है हम उस फॉर्मूला पे जाते हैं। फॉर्मूला पे जाने के बाद जो है हम यहाँ से देखेंगे, आप ये रेंज सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। बहुत इजीली आप बहुत टफ से टफ फॉर्मूला को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।